अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फारूक हसन एंड यू वाचिंग सईद बस पाकिस्तान। आज हम आपको 2023 का एक मैसिव विला दिखाने जा रहे हैं जिसकी डिमांड जो है वो 45 करोड़ है। टॉप नॉच विला है इस टाइम पे करंट मार्केट के अंदर और फुल बेसमेंट के साथ है। 18,000 जो है इसका कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है विद टॉप रूफ गार्डन, स्विमिंग पूल, 6 मेन मास्टर बेडरूम्स, फुली फर्निश्ड, फुली इक्विप्ड हाउस। और इस घर की डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे।
हम घर के जो है वो फ्रंट एलिवेशन के ऊपर लोकेटेड हैं और आप देख सकते हैं कि 100x90 जो है इसका स्टैंडर्ड एक प्लॉट साइज़ है। फेज 6 की एक बहुत हाई एंड जो है प्राइम लोकेशन है। लैंडस्केपिंग आप देख सकते हैं इस मैसिव विला की, और बाहर से ही एलिवेशन से ही आपको नज़र आता है कि इस घर की वर्थ क्या होगी और इसका इंटीरियर किस तरह का होगा। सो अगर हम इसके एलिवेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आर्चेज हैं और कार्विंग्स की गई हैं, कैलीग्राफी भी हमें नज़र आती है, और बिल्कुल सामने जो है बॉन्साई प्लांटर्स भी हैं, पाम ट्रीज भी हैं। आप देख सकते हैं कि पाम ट्रीज को यहाँ पे जो है स्पेशली इंजेक्ट किया गया है इसके एलिवेशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। आर्चेज, आर्टवर्क जो है सारा कुछ आपके सामने आइडेंटिफाई है, और इसके जो अगर हम लैंडस्केपिंग की बात करें तो फुली फ्लैट जो है इसके अंदर ह्यूज साइज़ की लैंडस्केपिंग की गई है। टॉप रूफ गार्डन भी है, ग्रीन स्पेसेस भी हैं और बैल्कनीज भी हैं। तो अब हम मौजूद हैं अपने घर के बेस्ट फीचर पे जो कि हमारा टॉप रूफ गार्डन है, और इस तरह का टॉप रूफ गार्डन जो है मुझे उम्मीद है आपने किसी भी घर में नहीं देखा होगा। अगर हम टॉप रूफ गार्डन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत एक्स्ट्रा स्पेसेस को जो है वो डिज़ाइन किया गया है, और राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि मेन हमारा सारा एक फायर प्लेस है, साथ एक सेटिंग डेक दिया गया है, लाइट्स बहुत खूबसूरती से लिट कर रही हैं, पाम ट्रीज जो हैं वो टॉप रूफ के ऊपर जो है इंस्टॉल किए गए हैं। इसके बिल्कुल साथ ही राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिफ्ट इंस्टॉल की गई है जो के बेसमेंट, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल और टॉप रूफ गार्डन को कनेक्ट करती है। अभी जिस स्पेस के ऊपर हम मौजूद हैं ये हमारा सबसे हाईएस्ट डेक है जो कि इस टॉप रूफ गार्डन के भी ऊपर स्पेस पे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड पैटर्न पे है, बहुत खूबसूरत जो है वो टाइलिंग की गई है, 7 से 8 लोग जो है यहाँ पे ईजिली बैठ सकते हैं। और बैक साइड का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा सिटिंग स्पेस को डिज़ाइन किया गया है, पाम ट्रीज इंस्टॉल किए गए हैं, बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन आपको नज़र आती है। मिड में एक फाउंटेन है जिसको डिज़ाइन किया गया है। बैक साइड पे भी जो है काफ़ी एक लैंडस्केपिंग फीचर्स जो हैं हमें नज़र आते हैं, और बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक जो है एक शॉवर एरिया दिया गया है जो कि आप टॉप रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा बहुत खूबसूरत पाथवे है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरे प्लांटर्स को बहुत खूबसूरती से इंस्टॉल किया गया है, राइट साइड के ऊपर भी है, लेफ़्ट साइड के ऊपर भी है। आप लैंडस्केपिंग देख सकते हैं, पिलर्स देख सकते हैं। तो शाम का जो व्यू है पाथवे का वो बहुत खूबसूरत है। एक सेटिंग डेक भी यहाँ पर दिया गया है जहाँ पर आप बॉनफायर कर सकते हैं, बॉनफायर की स्पेस जो है स्पेशली डिज़ाइन की गई है। राइट और लेफ़्ट साइड पर आपको मेन जो है सारी स्पेनिश टाइल्स मिलती हैं, बहुत खूबसूरत आर्टवर्क है। लेफ़्ट साइड पर एक आपको बैल्कनी दी गई है जहाँ पर आप सिटिंग स्पेस कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी मेन एंट्री है, यहाँ पे इजीली जो है आप पूरे गैरेज एरिया में इजीली 6 गाड़ियों की कार पार्क कर सकते हैं, और स्पेनिश मेन इसका जो है रॉट आयरन का डोर है, और पाथवे जो है वो बहुत खूबसूरत है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेप्स को बहुत क्रिएटिविटी से डिज़ाइन किया गया है। राइट और लेफ्ट साइड पर एक बहुत ह्यूज साइज़ की लैंडस्केपिंग है, बॉन्साई प्लांटर्स हैं। अगर आपको प्लांटर्स दिखाएँ तो प्लांटर्स की भी जो है प्रॉपर एक कार्विंग, एक आर्ट वर्क किया गया है, और यहाँ पर मोज़ेक काम भी नज़र आता है। ग्लास है, ग्लास के नीचे स्टोन रखे गए हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो लाइटिंग लिट कर रही है। डोर की अगर हम बात करें तो एक बहुत ह्यूज एक आर्टवर्क हमें नज़र आता है जो कि बहुत कम घरों में है, बहुत डिटेल में, बहुत ह्यूज काम है, हर चीज़ की कनेक्टिविटी है। पिलर्स पे आप काम देख सकते हैं, आर्चेस पे आप काम देख सकते हैं, तो किसी भी किस्म की जो है इसमें कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ी गई। सो व्यूअर्स, ये जो है हमारी मेन रिसेप्शन एरिया है, और आप देख सकते हैं कि डबल हाइट लॉबी रिसेप्शन एरिया है, बहुत खूबसूरत है। राइट साइड पे जब आप जैसे ही आप इस रिसेप्शन एरिया पे एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपका जो है एक ऑफिस एरिया आता है जो कि आप इन हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम आपको इसका फर्नीचर दिखाएं तो बहुत खूबसूरत है, राउंड पैटर्न पर इसका फर्नीचर है। राइट साइड पर फेसिंग जो है वो विंडो है जहाँ से आपको सारा जो लैंडस्केपिंग का व्यू जो है वो नज़र आता है। इसके साथ ही अगर हम टाइल पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी स्पेनिश टाइल्स लगाई गई हैं, और बहुत खूबसूरत मोज़ेक आर्टवर्क किया गया है एंटी के, और एंटी के ऊपर भी अगर आप देखें तो सीलिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कार्विंग्स की गई हैं, बहुत डिटेल का काम है। इसके साथ ही जो है मेन हमारा एक गेस्ट वॉशरूम आता है जिसको हम पाउडर रूम एरिया कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सारी स्पेनिश टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। कैबिनेट की और जो है ग्रोहे की एसेसरीज इसमें इंस्टॉल की गई हैं।
सो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो मेन हमें टू जो है वो मेन मास्टर सुइट्स मिलते हैं, लाउंज एरिया है, फॉर्मल डाइनिंग एरिया है, बहुत ह्यूज जो है कोजी जो है हमारा जो लाउंज एरिया दिया गया है। इसी तरह अगर हम इस डिटेल की बात करें तो ये हमारा मेन जो है वो रिसेप्शन एरिया है। राइट साइड पे हमें एक आर्किटेक्चरल स्टेयरकेस मिलती है और आप देख सकते हैं कि टाइल पैटर्न बहुत खूबसूरत हैं, बहुत डिटेल में जो है फ्रेंच शैंडलियर जो है आप देख सकते हैं कि ड्रॉप किया गया है, बहुत डिटेल हैं, बहुत कार्विंग्स हैं और एक बहुत खूबसूरत कंसोल टेबल मिलता है। मोज़ेक आर्टवर्क आप देख सकते हैं, इसके पैटर्न्स बहुत खूबसूरत हैं, बैल्कनीज भी हमें नज़र आती हैं, कॉरिडोर्स भी नज़र आते हैं और आप देख सकते हैं कि बेसमेंट की एक बैल्कनी हमें यहाँ पे मिलती है जो कि हमें सारा बेसमेंट का जो है एक डबल हाइट स्पेस का एक हमें व्यू मिलता है। आर्टवर्क बिल्कुल आपके सामने है, फ्रेंच शैंडलियर जो है वो ड्रॉप किया गया है और स्विमिंग पूल की सारी जो विजिबिलिटी है वो आपको ग्राउंड लेवल से नज़र आती है। तो इस एरिया की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है वो 10 शैंडलियर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, लाइट्स आप देख सकते हैं और ये डे टाइम है, आप नेचुरल लाइट का एलिमेंट भी आपको खूबसूरती से सामने से भी नज़र आता है, बैक साइड से भी नज़र आता है और जितने भी शैंडलियर्स हैं, आर्टवर्क है, कॉरिडोर्स हैं, डबल हाइट स्पेस है, कलर कॉम्बिनेशन है और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से चीज़ों को ब्लेंड किया गया है। और इसी तरह इसके अगर हम आपको दिखाएं तो इसके कॉरिडोर्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, आर्चेस आप देख सकते हैं, पिलर्स पे काम जो है बहुत खूबसूरती से किया गया है, इनको मार्बलाइज किया गया है, सारी स्पेनिश फ्लोरिंग्स की गई हैं। लेफ्ट साइड पे हमें एक जो है एक लिफ्ट भी इंस्टॉल की गई है जिसकी बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट लेवल और टॉप रूफ गार्डन की एक्सेस मिलती है। सीलिंग्स की अगर हम बात करें तो आपको हर चीज़ में एक कनेक्टिविटी जो है वो नज़र आती है। इसी तरह हम आपको इसके ड्राइंग रूम एरिया की तरफ लेके चलते हैं जिसमें वुडन फ्लोरिंग्स रखी गई हैं, क्रोना ब्रांड की वुडन फ्लोरिंग्स हैं और वॉल ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, फर्नीचर आप देख सकते हैं, हर चीज की एक ब्लेंड जो है वो आपको इंटीरियर में नजर आता है। फ्रेंच शैंडलियर ड्रॉप किया गया है, सीलिंग का बहुत खूबसूरत आर्टवर्क है और पैटर्न्स के ऊपर जो है गोल्ड लीफिंग की गई है। लेफ्ट साइड पे हमारी एक मेन फीचर वॉल है जहाँ पे हमें एक बहुत ह्यूज साइज़ की जो है फायरप्लेस मिलती है। बिल्कुल सामने बहुत ह्यूज साइज़ की जो है एक विंडो है और विंडो में यहाँ के इस घर की जितनी भी विंडोज़ हैं वो सारी डबल ग्लेज्ड हैं। इस घर के जितने भी दरवाजे हैं या वुड वर्क है उसमें अमेरिकन एशवुड इस्तेमाल की गई है। जितनी भी अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो सारी स्विस ब्रांड की इस्तेमाल की गई हैं जो कि बहुत एक हाई एंड ब्रांड है। इसी तरह इसके साथ ही डिवीजन के साथ हमें एक डाइनिंग स्पेस डिज़ाइन की गई है और फर्नीचर की आप क्वालिटी देख सकते हैं और इसके फैब्रिक्स के डिज़ाइन देख सकते हैं। हर चीज़ की कनेक्टिविटी आपको वॉल से लेके, फ्लोरिंग से लेके, वार्डरोब से लेके, शैंडलियर से लेके, हर चीज़ में एक कनेक्टिविटी आपको डिफाइन होती हुई नज़र आती है। इसके साथ ही हमारी एक और एक्सेस हमें यहाँ पर दी गई है। एक्सेस में जो है वो मेन किचन की एक्सेस है और यहाँ पर जो है सारा जो मेन हमारा शोकेस किचन है, जब भी आपके गेस्ट इस एरिया में आएँ तो यहाँ से इस एरिया को आप बहुत खूबसूरती से जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम आपको अपने मेन शोकेस किचन की तरफ लेके जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इटालियन टॉप जो है वो रखा गया है और किचन आइलैंड जो है हमारा इसका है वो बहुत खूबसूरत है और इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे काफ़ी ज़्यादा हमें मेन स्टोरेज स्पेस मिलती है, राइट साइड पे भी स्टोरेज स्पेस है और जितनी भी एसेसरीज़ इस किचन के अंदर हैं सारी जो हैं वो इटालियन है और इसी तरह यहाँ पर डबल डोर फ्रिज भी है, एक जो है आपकी ड्राइंग रूम की एंट्री है, एक मेन एंट्री है। इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ हैं, बर्नर्स हैं, हॉट प्लेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो बेकिंग के आइटम्स हैं वो यहाँ पे सारे इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरह हम आपको इसके मेन ग्रीस किचन की तरफ लेके चलते हैं जो कि इसका मेन जो है ग्रीस किचन है जिसको आपके जो शेफ़ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है डबल डोर एंट्री है और ये हमारी एक लाउंज स्पेस है जो कि बहुत ह्यूज साइज़ की है। नॉर्मली 1000 गज या 2 किनाल के घरों के अंदर इतनी स्पेस हमें लाउंज की नहीं मिलती और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इजीली जो है 30 से 40 लोगों की कैपेसिटी है और फेसिंग जो है वो लैंडस्केपिंग है। आप देख सकते हैं कि कर्टन्स जो है वो बहुत खूबसूरत हैं, टर्किश फैब्रिक इसमें इंस्टॉल किया गया है, कार्विंग्स डिटेल की आपके सामने डिफाइंड है, सीलिंग आर्टवर्क आपको नज़र आ रहा है, शैंडलियर्स आप देख सकते हैं कि ब्रास का शैंडलियर इसमें ड्रॉप किया गया है, आर्टवर्क जो है वो बहुत नुमाया है, ग्री के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी मेन अप्लाइंसेस इंस्टॉल की गई हैं। इसकी बैक साइड पे सारा जो है वॉल ट्रीटमेंट हमें नज़र आता है, वॉल पैनलिंग्स हैं, अमेरिकन वॉलपेपर भी इसमें इस्तेमाल किया गया है और कार्विंग्स आप देख सकते हैं कि सारी हैंडमेड कार्विंग्स हैं। इसी तरह हमारा इसका जो लाउंज का एक मेन फीचर एरिया है वो हमारी एक ये वॉल है और आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज साइज़ की फायरप्लेस यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। इसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन रखे गए हैं आप देख सकते हैं कि लाइट पैटर्न के कलर कॉम्बिनेशन हैं, बेज, ग्रे और गोल्ड कलर को ब्लेंड किया गया है।
तो ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें दो मास्टर सूट मिलते हैं, और अगर हम प्लानिंग की बात करें तो एक साइड पर हमें गेस्ट एरिया मिलता है, दूसरी साइड पर हमें एक लिविंग एरिया मिलता है। लाउंज के साथ आप देख सकते हैं कि ये एक हमारी डिवीजन स्पेस है। राइट और लेफ्ट साइड पर हमें मास्टर सूट्स मिलते हैं। आज के पैटर्न आप देख सकते हैं, इस तरह हम आपको इसके मास्टर सूट की तरफ लेके चलते हैं, जो कि किसी भी मास्टर सूट से कम नहीं है बिल्कुल। और एंट्री के साथ ही आपको यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग मिलती हैं, और बेज और गोल्ड और लाइट कलर को ब्लेंड किया गया है। राइट साइड पे पूरी एक ह्यूज हमारी मीडिया वॉल है, जिसमें वॉल पैनलिंग नजर आती हैं, अमेरिकन वॉलपेपर इसमें इंस्टॉल किया गया है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि रॉयल पैटर्न का एक ह्यूज साइज का जो है बेड है, और अगर हम बेड क्वालिटी की बात करें तो ये फाइबर में बिल्कुल भी इन पैटर्न को डिजाइन नहीं किया गया, ये स्पेशली वुड में कार्विंग्स की गई हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका आर्टवर्क कितनी खूबसूरती से आपको नजर आ रहा है, मोटिफ के पैटर्न जो है वो कितने खूबसूरत हैं। इसी तरह अगर हम ब्रास चैंडलियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती देखें कि इसमें ब्लू और गोल्ड कलर को ब्लेंड किया गया है। इसी तरह इसके साथ ही हमारी एक और स्पेस है जो कि हमारी मेन सिटिंग स्पेस है, और बिल्कुल फेसिंग जो है वो लैंडस्केपिंग एरिया है, बहुत खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे भी जितनी भी एसेसरीज हैं वो सारी स्पेनिश और इटालियन है। पिलर्स की डिवीजन आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू और ग्रे कलर को ब्लेंड किया गया है। इसी तरह जो है इस रूम में जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की एसेसरीज हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे स्विच के टच पैनल जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, और टच पैनल्स के थ्रू या अपने फ़ोन के थ्रू आप घर की जितनी भी इलेक्ट्रिफिकेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट साइड पे हमें बेड के जो है वो विंडोज़ मिलती हैं, तो नेचुरल लाइट का इस टाइम पे शाम का टाइम है, और आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती से जो है वो आप लाइट यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको इसके मास्टर वॉशरूम की तरफ लेके चलते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। राइट और लेफ्ट साइड पर हमें क्लोजेट ड्रेन मिलती है, और इसमें यूवी पैटर्न की शीट इस्तेमाल की गई है। सॉलिड वुड से जो है इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। स्टेप अप करके जो है हमारा मेन वॉशरूम एरिया जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और राइट और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे हमारा एक इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है। सीलिंग से जो है आप देख सकते हैं कि रेन हेड शॉवर ड्रॉप किया गया है। लेफ्ट साइड पे एक बहुत ह्यूज साइज की डबल वैनिटी कस्टमली डिज़ाइन की गई है। और इसी तरह हम ग्लास की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ग्लास में भी खूबसूरत आर्टवर्क है। वॉल ट्रीटमेंट फीचर वॉल्स भी बनाई गई हैं, कोरियन का भी इस्तेमाल किया गया है, मार्बल टॉप्स भी रखे गए हैं। जितनी भी एसेसरीज हैं इस वॉशरूम के अंदर या इस घर के जितने भी वॉशरूम्स हैं वो सारी जो है वो ग्रोहे की इस्तेमाल की गई हैं। इसके साथ ही वर्साची का यहाँ पे जो हमें वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है। बैक साइड पे हमें विंडो मिलती है, और स्टेप अप करके जो है आप देख सकते हैं कि ये मेन हमारा एक जकूजी एरिया डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक एसी भी इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि जिस साइज़ का ये वॉशरूम है यहाँ पे एसी जो है वो हमें चाहिए। और इसके राइट और लेफ्ट साइड पे हमें एक काफ़ी खूबसूरत जो है लैंडस्केपिंग मिलती है। यहाँ पे इस जकूजी में ईजिली जो है कम अज़ कम 4 से 5 लोग बैठ के जकूजी को इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आपको इसके दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ लेके चल रहे हैं, और आप राइट साइड पे फीचर वॉल एलिमेंट देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत एक वॉल को ट्रीट किया गया है, शैंडलियर ड्रॉप किया गया है। आर्च पैटर्न जो है बहुत खूबसूरती से आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी सारी स्पैनिश फ्लोरिंग्स की गई हैं। राइट साइड पर बहुत ह्यूज साइज़ की आप देख सकते हैं कि मोटिव पैटर्न की जो है वो बेड वॉल है। और अगर हम बेड की बात करें तो बेड इसका जो है आप देख सकते हैं कि वाइट और गोल्ड में जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। पैटर्न जो है वो मोटिव्स के बहुत खूबसूरत हैं, और जो फिनिशिंग है वो आपके सामने है बिल्कुल। लेफ्ट साइड पे हमें एक विंडो मिलती है, बहुत स्मार्ट साइज है इसका। यहाँ पे पूरी जो है वॉल ट्रीटमेंट्स की गई हैं, पिलर्स भी बनाए गए हैं, पूरी बिल्कुल सामने आपकी एक मीडिया वॉल को कस्टम डिज़ाइन किया गया है। और इसी तरह राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी हीटिंग सिस्टम है यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो अब हम इसके आपको मेन वॉशरूम की तरफ लेके चलते हैं, और वॉशरूम एंट्री के साथ ही जो है हमें सारी क्लोजेट ड्रेन मिलती है। राइट साइड के ऊपर जो है वो बहुत डिफरेंट व्यू है इस वॉशरूम का, जो कि आप देख सकते हैं कि सामने जो है आपको एक जो है डबल हाइट स्पेस का एक व्यू मिलता है, जो कि किसी बेडरूम से भी ज़्यादा इस वॉशरूम का व्यू है। सो आर्च पैटर्न्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें कोरियन का इस्तेमाल किया गया है, स्पैनिश टाइल्स हैं। सामने हमें फ्लोटिंग वैनिटी मिलती है जो कि कस्टम डिज़ाइन की गई है। मिरर ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो वर्साची पैटर्न का आर्टवर्क किया गया है। लाइट्स बहुत खूबसूरती से लिट कर रही हैं। इंडिपेंडेंट जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल माउंटेड कमोड लगाया गया है। बैक साइड पर जो है हमें विंडो का व्यू मिलता है। तो अगर हम इसकी प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग बहुत डिफरेंट है, और इसकी फिनिशिंग्स की बात करें तो फिनिशिंग इस वॉशरूम की बहुत हाई एंड है। तो हम अब आपको जो है इसकी बेसमेंट की तरफ लेके चल रहे हैं, और बेसमेंट जो है इसकी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सी अमेनिटीज़ जो हैं इसकी बेसमेंट के अंदर हैं। और बेसमेंट में बहुत ह्यूज साइज़ का जो है हमें एक स्विमिंग पूल एरिया मिलता है, और कॉरिडोर्स आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत हैं, डिटेल आर्टवर्क आपके सामने है। स्विमिंग पूल के ऊपर भी जो है आपको एक कस्टम चैंडलियर ड्रॉप नज़र आता है, और इस स्विमिंग पूल की खूबसूरती आप ये देखें कि आर्चेस पैटर्न्स हैं। राइट साइड पर लाउंज से हमें व्यू मिलता है, वॉल ट्रीटमेंट्स बहुत खूबसूरती से नज़र आते हैं, मोज़ेक आर्टवर्क आप पैटर्न्स का आप देख सकते हैं
हैं कि स्विमिंग पूल में आपको बहुत खूबसूरती से वॉल ट्रीटमेंट आप देखें, डबल हाइट स्पेस को जो है बहुत खूबसूरती से जो है डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके फर्स्ट लेवल से लेके बेसमेंट तक जो है जिसको पूरा कस्टमली डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह जो है अगर हम राइट और लेफ्ट साइड की बात करें तो राइट साइड के ऊपर जो है हमें मेन सारा जो है इसके सारे फिल्ट्रेशन है, इसके शॉवर एरिया है और इसके साथ ही हमें एक जेट स्क्रूजी मिलती है। सबसे खूबसूरत और डिफरेंट बात यह है कि आपको यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि अगर बच्चों के की सेफ्टी का जो है वो बहुत खूबसूरती से जो है इस्तेमाल किया गया है। सो बेसमेंट में जो है हमें एक मास्टर सूट मिलता है, बहुत ह्यूज साइज़ का स्विमिंग पूल एरिया है, जिम है, सिनेमा है और एक बहुत ह्यूज साइज़ का लाउंज है, एक मेन किचन मिलता है। तो बहुत एक प्रैक्टिकल तरीके से इस बेसमेंट को डिज़ाइन किया है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारा मेन जो है वो एक शोकेस किचन है जो कि इस एक्टिविटी के लिए बहुत एक खूबसूरत है। इसमें भी बहुत डिटेल का काम आपको नज़र आता है, सीलिंग पैटर्न्स की कनेक्टिविटी जो है वो पूरे बेसमेंट में आपको नज़र आती है, ट्रैवर्टीन का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, स्विच की जो है इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं और अगर आप इसकी ये आर्टवर्क देखें तो एक बहुत आपको अच्छी वाइब नज़र आती है। राइट साइड पे एक बहुत खूबसूरत सिटिंग स्पेस है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि दो जो है शॉवर एरियाज डिज़ाइन किए गए हैं, कस्टम जो है जकूजी यहाँ पे जो है जेट्स के साथ इंस्टॉल की गई है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो है यहाँ पे एक डोर भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉल किया गया है अगर आपके किड्स हैं तो वो इसकी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो राइट साइड पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरती से एक आर्टवर्क आपको नज़र आता है, ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, लाइट्स बहुत खूबसूरती से लिट कर रही हैं, मल्टीपल एसीज इस एरिया में इंस्टॉल किए गए हैं जिसको आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट साइड पे आपकी एक जिम की स्पेस है। इसी तरह हम आपको इसके मेन एक फीचर की तरफ लेकर चल रहे हैं जो कि इसका बहुत एक लेविश सिनेमा है। राइट साइड पे एक पूरी सिनेमा स्क्रीन है और लाइट्स आप देख सकते हैं, सीलिंग्स देख सकते हैं, ब्लैक और गोल्ड कलर का जो है इसका इंटीरियर है और यहाँ पर ईजिली जो है 20 लोगों की कैपेसिटी है। सिटिंग अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं, वॉल क्विल्टिंग्स की गई हैं, इस एरिया को प्रॉपरली साउंड प्रूफ किया गया है, स्टेप अप करके जो है आपकी सिटिंग्स को डिवाइड किया गया है, पिलर्स बहुत खूबसूरत हैं, सीलिंग के पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं, जितनी भी जिसमें इन्वर्टर्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, साउंड सिस्टम जो है यहाँ पे यामाहा का इंस्टॉल किया गया है, टर्किश कारपेट आप देख सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग्स यहाँ पे की गई हैं, तो एक बहुत एक डिफरेंट सिनेमा वाइब है जो कि आपको इस घर के अंदर मिलती है। तो बेसमेंट में जो हमारी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे लिफ्ट है, कॉरिडोर्स के पैटर्न्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैंडमेड पेंटिंग्स की गई हैं और शैंडलियर जो हैं ड्रॉप किए गए हैं, बहुत डिफरेंट वाइब है इस घर की और टर्किश कारपेट है, वुडन फ्लोरिंग्स नज़र आती हैं। लेफ्ट साइड पे हमारी मेन एक जो है वो बेड वॉल है, क्राउन आप देख सकते हैं इस बेड का कि वो कितना खूबसूरत है और यहाँ से कर्टन्स को ड्रॉप किया गया है। बैक साइड पर अमेरिकन वॉल पेपर है, वो जिसमें जितनी भी वॉल पैनलिंग्स की गई हैं सारी अमेरिकन ऐश वुड की हैं, इसमें गोल्ड लीफिंग के पैटर्न भी हमें नज़र आते हैं, विंडो भी है, यहाँ पे सनकिन एरिया है, बैक साइड से आपकी पूरी जो डे लाइट की एंट्री है बिल्कुल सिटिंग स्पेस के साथ है और इसी तरह जो है हमारी एक पूरी मीडिया वॉल में आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत ग्लास के एजेस इस्तेमाल किए गए हैं और इसी तरह अगर मैं इसके आपको मास्टर वॉशरूम की तरफ लेके चलूँ जो कि बहुत एक ह्यूज साइज का मास्टर वॉशरूम है और ग्रे और वाइट कलर को ब्लेंड किया गया है, गोल्ड की जो है वो सारी आप इसमें जो है मोज़ेक आर्टवर्क देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर जो है हमें पूरी दो फ्लोटिंग वैराइटीज मिलती हैं जिसमें जो मार्बल टॉप्स रखे गए हैं, ग्रोहे की सारी एसेसरीज हैं, बैक साइड पे ह्यूज जो है हमें स्टोरेज एरिया मिलता है और मजे की बात यह है कि साथ ही आपको दो जो है वॉल माउंटेड कमोड भी मिलते हैं, तो एक टाइम पे दो लोग इस वॉशरूम को बहुत खूबसूरती से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सैमसंग की एलईडी भी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, एसी भी इंस्टॉल किया गया है, सो कमरे से ज्यादा वॉशरूम में भी आप अपना दिल लगा सकते हैं। सो बैक साइड पे ह्यूज साइज की हमें विंडो मिलती है, पीछे जो है प्लांटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, ग्रीन इफेक्ट दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक फायरप्लेस जो है यहाँ पे इंस्टॉल की गई है जो कि बिल्कुल जकूजी के सामने है और फ्रंट शैंडलियर ड्रॉप किया गया है, किसी भी किस्म की कमी जो है इस वॉशरूम के अंदर नहीं है। तो जो इस घर की जो बेस्ट स्पेसेस हैं आप देख सकते हैं कि वो इसके कॉरिडोर्स हैं, आर्च पैटर्न्स हैं, इनको मार्बलाइज किया गया है, हर जगह पे आपको वॉल ट्रीटमेंट नज़र आता है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत खूबसूरत एक आर्ट वर्क किया गया है जो कि सारा हैंडमेड है। इसी तरह हम इसकी एक मेन लाउंज की तरफ आपको ले कर चलते हैं जिसका फेसिंग पूल एरिया व्यू है, ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट है और क्योंकि इस जगह की एक बहुत आपको वाइड लुक मिलती है। इस तरह बहुत सारी यहाँ पर सिटिंग स्पेस रखी गई हैं, फर्नीचर हाई एंड है और इसकी तरह अगर हम इनकी मेन वॉल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फायरप्लेस है जिसमें जो है कार्विंग्स जो है बहुत खूबसूरती से नज़र आ रही हैं, ब्रास पे जो है काम किया गया है और बहुत ह्यूज साइज़ की जो है सिटिंग स्पेस है, अमेरिकन वॉलपेपर्स भी हैं और विंडोज़ के व्यूज़ भी मिलते हैं, तो लाइट की एंट्री भी बहुत खूबसूरत है, सीलिंग के पैटर्न्स की कनेक्टिविटी, फर्नीचर की कनेक्टिविटी, कर्टन्स की कनेक्टिविटी, ड्राॅइंग रूम्स की कनेक्टिविटी, हर चीज़ की कनेक्टिविटी आपको इस घर के अंदर मिलेगी।
अब हम मौजूद हैं अपने फर्स्ट लेवल पे और आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर्स कितने खूबसूरत हैं। लेफ्ट साइड पे हमारा डबल जो है वो लॉबी एरिया है। शैंडलियर्स आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज साइज के शैंडलियर्स इसमें ड्रॉप किए गए हैं। तकरीबन इस एरिया में तकरीबन 10 शैंडलियर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। और सबसे मज़े की चीज़ अगर मैं आपको राइट साइड पर दिखाऊँ तो राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि एक और डबल हाइट स्पेस जो है डिज़ाइन की गई है, जो कि एक मेन फीचर एलिमेंट है। तो फर्स्ट लेवल पर राइट साइड पर जो है हमारा इन हाउस एक मेड रूम एरिया है, जिसको आप एज अ स्टडी रूम या इन हाउस एज अ मेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वॉशरूम भी है और बिल्कुल सामने हम आपको एक मास्टर सूट की तरफ लेके चल रहे हैं। सामने एक लिफ्ट है और इसके साथ ही हमारी मेन एंट्री है। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि ह्यूज साइज़ की एक बेड वॉल को डिज़ाइन किया गया है और 3D वॉल पैनलिंग्स की गई हैं। ग्लास का भी इस्तेमाल है, वॉल पेपर भी इंस्टॉल किए गए हैं। बहुत खूबसूरत जो एंटीक लाइट्स भी आप देख सकते हैं और बहुत ह्यूज साइज़ का फर्नीचर की अगर हम बात तो आप देख सकते हैं कि इनके पैटर्न जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और हर चीज़ में आपको एक कनेक्टिविटी नज़र आती है। ब्लू और वाइट और बेज कलर को इसमें ब्लेंड किया गया है। हम आपको इसके मेन वॉशरूम की तरफ लेके चल रहे हैं, जो कि कमरे के साथ ही बिल्कुल कनेक्ट है। राइट और लेफ्ट साइड पर सारी क्लोजेट रेंज है और इसके साथ ही जो स्टेप अप करके मेन एक हमारा वॉशरूम एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत शैंडलियर ड्रॉप किया गया है। राइट साइड पर फ्लोटिंग वैनिटी है, कोरियन के जरिए बनाई गई है। बहुत खूबसूरत जो है आर्टवर्क आपको ग्लास में नजर आता है। वॉल माउंटेड जो है कमोड से आप इंस्टॉल किए गए हैं। ग्रोहे की फिटिंग्स हैं। बैक साइड पे एक बहुत बड़ी ह्यूज जो टाइल आप देख सकते हैं कि आप इंस्टॉल की गई हैं। पिलर्स की डिवीजन जो है वो भी एक आपके सामने नुमाया है। आप देख सकते हैं कि जकूजी की प्लेसमेंट के लिए जो है पिलर्स जो है वो बहुत खूबसूरती से यहाँ पे लगाए गए हैं। लेफ्ट साइड पे इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज साइज की टाइलिंग इसमें इस्तेमाल की गई है। तो कॉरिडोर्स में राइट साइड पे हमारा जो है इंडो पैटियो है और हम आपको दिखाते हैं कि इंडो पैटियो जो है वो बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे भी जितनी भी आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरिंग्स हैं वो सारी स्पैनिश हैं और CNC का बहुत खूबसूरती से काम किया हुआ है यहाँ पे। और आप आर्ट वर्क देख सकते हैं कि हर वॉल जो है एक फीचर वॉल हमें नज़र आती है। मोज़ेक के पैटर्न बहुत खूबसूरत हैं, आर्चेज हैं, पिलर्स हैं और यहाँ पर एक जो है आप देख सकते हैं कि एक एक बर्निंग स्पेस जो है वो डिज़ाइन की गई है। इसके साथ ही स्टेप अप करके प्लांटर्स दिए गए हैं और साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारी फायर प्लेस है। सो ये ओपन टू स्काई एरिया है और यहाँ पे प्राइवेसी भी है। इंडोर एक्टिविटी आप इस एरिया में भी कर सकते हैं, जो कि आपके फर्स्ट लेवल पे मौजूद है। तो अब हम आपको इसके जो दूसरे हिस्से की तरफ लेके जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ब्रिज के राइट और लेफ्ट साइड पर जो है डबल स्पेसेस डिज़ाइंड हैं। और एक खूबसूरत चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें आपके इसमें आपको एक बालकनी दी गई है और जो जहां से आपको पूरा पूल व्यू जो है वो नज़र आता है। अगर आप देखें तो पूरा एक ट्रिपल हाइट स्पेस को जो बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट लेवल को आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। बालकनीज आपको हर पैटर्न में मिलेंगी, हर जगह पर मिलेंगी, हर जगह से जो है विजिबिलिटी है, नेचुरल लाइट का एलिमेंट है। और इसके साथ ही अगर हम फ्लोरिंग्स की बात करें तो बहुत ह्यूज साइज़ की फ्लोरिंग्स लगाई गई हैं, जो कि स्पेनिश फ्लोरिंग्स हैं। और जिस तरह आपने ग्राउंड लेवल पर हमारा लाउंज एरिया देखा था, इसी तरह फर्स्ट लेवल पे है टर्किश कारपेट यहाँ पे रखा गया है। राइट साइड पे पूरी एक मीडिया वॉल है। बहुत खूबसूरत एक आर्ट वर्क आपको सीलिंग से लेके शैंडलियर से लेके वॉल ट्रीटमेंट से लेके आपको फर्नीचर में भी नज़र आता है और यहाँ पे भी इजीली 30-40% की कैपेसिटी है। सो इसके साथ ही जो एक कनेक्टिविटी हमें नज़र आती है वो आप देख सकते हैं कि एक हमारा ऊपर एक प्रॉपर एक शेल्फ किचनेट एरिया पूरा एक डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड पर हमें जो है ग्लास मिरर मिलते हैं, आर्चेस के पैटर्न हैं और यहाँ पर भी फुल फंक्शनल किचन जो है दिया गया है। तो इसके साथ ही हम आपको जो फर्स्ट लेवल है इसके ऊपर हमारे तीन मास्टर सूट हैं, जो हम आपको एक और मास्टर सूट दिखाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ह्यूज साइज का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइलिंग फ्लोरिंग्स की गई हैं, जो कि क्रोना ब्रांड की। लेफ्ट साइड पे हमें ह्यूज साइज का जो है प्रॉपर एक आर्टवर्क आपको नजर आता है बेड वॉल पे। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्विंग्स बहुत जो है वो हैंडमेड है, सारा एशवुड का काम किया गया है। राइट साइड पे जो है पूरी मीडिया वॉल को ट्रीट किया गया है, वॉल पैनलिंग्स भी नजर आती है, अमेरिकन वॉल पेपर भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जिसकी लाइफ और जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कर्टन्स की अगर हम बात करें तो सारे टर्किश ब्रांड के जो हैं वो सारे कर्टन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको फुली हाइटेड सीलिंग से ड्रॉप किया गया है, जो कि आपको बहुत ह्यूज इंपैक्ट नज़र आता है। पिलर्स की डिवीजन आप देख सकते हैं कि जो कि सिटिंग स्पेस के साथ लेदर डिज़ाइन की गई है और फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो बहुत खूबसूरत है। और ये आपके कमरे का पार्ट है जो कि बहुत ह्यूज साइज़ का है, क्योंकि ये हमारा मास्टर सूट है। और अगर हम इसका आपको मास्टर वॉशरूम दिखाएं तो वो भी बहुत ह्यूज साइज़ का जो है इसका मास्टर वॉशरूम है, जिसको वाइट और गोल्ड और ब्लैक कलर में ब्लेंड किया गया है।
है, राइट और लेफ्ट साइड पे हमें पूरी एक क्लोजेट रेंज मिलती है जो कि जिसमें सारी एसेसरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके साथ ही स्टेप अप करके राइट साइड के ऊपर जो है हमारा एक इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया आता है जिसमें ब्लैक और वाइट कलर को ब्लेंड किया गया है। लेफ्ट साइड पे एक बहुत खूबसूरत वैनिटी आपके बिल्कुल सामने है और जो कि कस्टमाइज वैनिटी है, इसमें ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, वर्साची टॉप्स रखे गए हैं, ग्लास आर्टवर्क आपके बिल्कुल सामने है, मोज़ेक पैटर्न्स है, लाइट्स LED लाइट्स आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरती से लिट कर रही हैं। इस तरह अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिवीजन कितनी ज़्यादा नफीस है और कितनी खूबसूरत है। ब्लैक कलर का जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, पीछे हमें गोल्ड पैटर्न भी नज़र आता है, AC भी इंस्टॉल्ड है, फुल ह्यूज साइज की इसमें जकूजी दी गई है। राइट और लेफ्ट साइड पर आपके सामने है कि यहाँ पर प्लांटर इंस्टॉल किए गए हैं। तो इसका जो लाइफ स्टाइल है इस वॉशरूम का वो बहुत डिफरेंट है, बहुत रिच कल्चर आपको नज़र आता है। इसके साथ ही हम आपको इस घर का जो है वो लास्ट बेडरूम दिखाने जा रहे हैं और जो कि इसका 6 बेडरूम है। टोटल 18,000 के करीब जो है इसका पूरा कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है, बेसमेंट है, ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है, टॉप रूफ गार्डन है जिसमें पूरी डिटेल्स के साथ आपके सामने काम किया गया है। फुली फर्निश्ड हाउस है और आप देख सकते हैं कि वाइट और बेज कलर को इस बेडरूम के अंदर ब्लेंड किया गया है। सीलिंग का आर्टवर्क आपके सामने नुमाया है, सीलिंग और बेड की कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं कि पैटर्न्स की और मोटिव्स की कनेक्टिविटी आपको हर चीज़ पर सिंक्रोनाइज नज़र आती है। बैक साइड पे एक फुल फ्लेज हमें विंडो मिलती है जो कि डबल ग्लेज विंडोज़ हैं और बिल्कुल सामने ह्यूज फर्नीचर्स रखे गए हैं और इसके सामने आपकी मीडिया वॉल आ सकती है। और अगर हम फ्लोरिंग्स की बात करें तो इसकी भी स्पैनिश फ्लोरिंग्स हैं, अमेरिकन एशवुड जो है इसके डोर्स में इस्तेमाल किया गया है। इसमें सारी एसेसरीज जो है वो इंस्टॉल की गई हैं, बहुत अच्छा CNC आर्टवर्क किया गया है। इसके साथ ही हम आपको इसके मेन वॉशरूम एरिया की तरफ लेके चलते हैं और जो कि आज के पैटर्न के साथ डिवीजन है। लेफ्ट साइड पे हमें इसी तरह जिस तरह हमें नीचे बेडरूम का व्यू मिला था एक वॉशरूम का, इस वॉशरूम का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। राइट साइड पे एक फ्लोटिंग वैनिटी है, ग्लास का इस्तेमाल है, वर्साची पैटर्न का आर्टवर्क है, स्पैनिश टाइल्स हैं, ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, इंडिपेंडेंट शॉवर एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीलिंग से शॉवर को ड्रॉप किया गया है। सीलिंग आर्टवर्क इस वॉशरूम में भी नुमाया है और वॉल माउंटेड कमोड दिए गए हैं और जो कि इसका एम्बियंस जो है वो बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आपको इस घर का टूर पसंद आया होगा। इस घर की जो डिमांड है वो 45 करोड़ है, प्राइस निगोशिएबल है। टोटल जो है इसमें 3 लेवल्स हैं, बेसमेंट है, ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है और इसका जो रूफटॉप गार्डन है वो चेरी ऑन द टॉप है। सो इस घर के अंदर हमें 6 मेन बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है, स्विमिंग पूल है, इन हाउस सिनेमा है, मल्टीपर्पज़ एक ऑफिस है और फुली फर्निश्ड फुली इक्विप्ड ये घर है। सो अगर आप इस घर के अंदर इंटरेस्टेड हैं और आप ये घर खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं और इस घर को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।